गीता में श्री कृष्ण बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा, अर्थात कर्म करो। Yeah.
लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। Thank you.
स्वस्ति ऋचं शाश्वत स्वस्ति ऋचं शाश्वत स्वस्ति ऋचं शाश्वत स्वस्ति ऋचं शाश्वत मंत्रे नामेन पद्यादि मित्राय त्व समर्पया ओम मित्राय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा धन्यवाद ब्राह्मण देवता, हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए अपनी दक्षिणा स्वरूप की मूर्ति लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी, हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है? हमें प्रसन्नता होगी अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे। और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं के लिए पूजन हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगली बार हम करेंगे कि मैं बरसात में थोड़ा श्रीखंड भी दे। यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गाय चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, उस पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेगी। छोड़ो मुझे जाने दो, आज के बाद मैं देश बदलकर किसी को तंग नहीं करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगी कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती है चंद्रिका? हाँ ये तो आवश्यक है। जाओ।
कृष्ण कृष्ण हरे।